हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे यमी यमी सी कढ़ाई। हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने लिया है जी प्याज का पेस्ट है हमारे पास मिक्स मसाले हैं जिनको हमने ग्राइंड किया है, और टोमेटो करी है हमारे पास। उसके बाद डेकोरेशन का सामान है, ये हमारे पास अदरक लहसुन की पेस्ट आ गई, लेमन जूस आ गया, और हमारे पास कसूरी मेथी और नमक मिर्च वगैरह को तो मैंने पहले मिक्स कर लिया था। सबसे पहले हमने जी कढ़ाई में ऑयल डालना है। ऑयल हमने 7 to 8 टेबल स्पून डाला। उसमें हमने डाल दिया है प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था, 2 बड़े बड़े प्याज लिए हमने, उसका हमने पेस्ट बना लिया था। और अब हमने इसको फ्राई करना है, भूनना है टाइप है, ताकि ये हल्का सा ब्राउनिश हो जाए। ये देखिए जी भून रहा है, और अब हमने इसमें डाल दिया है मिर्चें छोटी छोटी काट के, और अब हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना ताकि ये थोड़ा सा भुनता रहे ऑयल में ना। फिर हम इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखें जी अब हम इसमें नमक डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, इसकी सॉफ्टनेस के लिए, इसको नरम करने के लिए, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, और जल्दी जो है ना ये गल जाए। इसमें सॉफ्टनेस पैदा करता है नमक। अब हमने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आई थिंक 1 टेबल स्पून बनेगा आपका। और ये देखें जी, ये हमने मसाले हैं, 4 मसाले लिए हैं, उनको हमने मिक्स किया। जीरे का पाउडर है, इसमें धाड़ा मिर्च है, लाल मिर्च है, और इसमें कसूरी मेथी भी है थोड़ी सी, वो हमने मिक्स कर लिया। और अब हम इसमें अपना मसाला डालेंगे। ये देखें जी, हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो है ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और इसकी जो है ना पेस्ट टाइप अच्छी बन जाए। अच्छा जी, ये देखिए कलर आना शुरू हो गया ना, रोगन रोगन भी आ रहा है ऊपर, ये तो कमाल है इसका। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, और ये देखिए इसकी अच्छी से हम भुनाई कर रहे हैं। अब हम इसमें जो ऐड करने जा रहे हैं, ये देखें जी टोमेटो पेस्ट, मैंने खुद ही पतला रखा है ताकि ये बाद में हम इसको जो है ना गाढ़ा कर सकें, फ्लेम पे चूल्हे पे हम इसको गाढ़ा करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है ज़्यादा थोड़ी कढ़ाई में ना थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पतला रखा है। अब इसको हम भूनेंगे। यार है ना कलर साथ, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अब इसमें हमने डालनी है कसूरी मेथी, ठीक है, हाथ में थोड़ी सी मैश करके। ये देखें कसूरी मेथी, आपकी बहुत अच्छी खुशबू आती है हांडी में, सब कह उठते हैं वाह वाह हमें तो भूख लग रही है। ये देखें हमने कसूरी मेथी डाली है इसमें, ये देखें हमने इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कलर आना शुरू हो गया है। ये हल्का सा हमने जो है ना 1 टेबल स्पून डाला है लेमन का रस, वो हमने डाला है खटास के लिए, टेस्ट के लिए। ये देखें बस थोड़ा सा टाइम रह गया। हमने इसमें पानी डाला है जी, पानी क्यों डाला है, क्योंकि अब बारी है असली चीज़ की, गोश्त की, जो कि मैंने पहले ही इसको प्रेशर में हीट दे के गला लिया था। पहले हमारा आया है जी शहज़ादा, हमारा गोश्त आया है, और अब हम इसमें गोश्त डालेंगे, उसको भूनते रहेंगे फिर अच्छी तरह, और उसके बाद हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। बहुत आसान है, चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, कढ़ाई वाली बनाना बहुत ईजी है। ये देखें हमने पहले ही बोटियों को गला लिया था नमक डाल के पानी में प्रेशर में, बहुत ईजी रेसिपी है। मुझे पहले कढ़ाई बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई की है ना, सीरियसली चुटकियों में बन जाती है। ये देखें जी, ये है हमारी फाइनल तो कढ़ाई। ओह माय गॉड, ऊपर हमने डेकोरेशन का भी सामान डाल दिया था। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है, पर अभी नहीं खानी, जब मेरे हस्बैंड जी आ जाएंगे हम उनके साथ खाएंगे, बाहर की रोटियां मंगवाएंगे साथ। हमने ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़का है, और ये देखें डेकोरेशन में हमने नींबू डाले हैं, मिर्ची डाली है, अदरक डाल के डाला है,